नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भारत में बिकने वाले टॉप ट्रैक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फार्म आउटपुट यानी खेती खलियान के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। आज भी भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान 16 से 17% है। अगर खेती के एरिया में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जगह पर खेती की जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस कंपनी ने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक जितने भी ट्रैक्टर्स बेचे गए हैं उनके बारे में जानते हैं। 10वें पायदान पर है हमारी फोर्स कंपनी, जिसने 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कुल 3248 ट्रैक्टर को ही बेचा है भारत के अंदर। 9वें नंबर पर आती है हमारी SDF यानी सेम डच फाहर। यह एक इटालियन कंपनी है और इसने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कुल 4102 ट्रैक्टर्स को बेचा है भारत के अंदर। VST ट्रैक्टर्स, यह भारत की छोटे ट्रैक्टर्स बनाने वाली एक मशहूर कंपनी है। इसने कुल 6703 ट्रैक्टर्स को फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के बीच में बेचा है। कुबोता ट्रैक्टर्स, यह एक जापानी कंपनी है और भारत के किसानों के अंदर यह बहुत ही जल्दी अपनी अच्छी पकड़ बना रही है। इसके इंजन और इसके टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी और स्मूथ है। इसने भारत के अंदर कुल 12,924 ट्रैक्टर्स बेचे हैं। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, यह एक इटली की कंपनी है जिसने भारत में 26,745 ट्रैक्टर्स बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 से और मार्च 2020 के बीच में। यह कंपनी अपने अच्छे ट्रैक्टर्स और बड़े ट्रैक्टर्स बनाने के लिए जानी जाती है। जॉन डियरे ट्रैक्टर्स, इसने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में कुल 68,322 ट्रैक्टर्स को भारत के अंदर बेचा है। यह अमेरिका की बहुत ही मशहूर और बड़ी कंपनी है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स, याद रहे डिजिट्रैक और पावर ट्रैक एस्कॉर्ट कंपनी के ही ट्रैक्टर्स हैं और उनका भी डेटा इसमें शामिल किया गया है। इसने 82,252 ट्रैक्टर्स भारत के अंदर बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में। यह भारत की बहुत ही अच्छी और मजबूत कंपनी मानी जाती है तथा किसान इसके ट्रैक्टर्स को काफ़ी पसंद भी करते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर्स, इसने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में कुल 82,958 ट्रैक्टर्स को बेचा है। सोनालिका ट्रैक्टर्स अपने पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। टैफे ट्रैक्टर्स, टैफे ट्रैक्टर्स के अंदर ही आइसर ट्रैक्टर्स भी आते हैं क्योंकि 2005 में टैफे ने आइसर ट्रैक्टर्स को ख़रीद लिया था, तो इनका भी डेटा इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो हम डेटा बताएंगे वो टैफे और आइसर दोनों का ही होगा। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कुल भारत के अंदर 120,151 ट्रैक्टर्स बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 के बीच में। भारत की सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचने वाली कंपनी है महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी ने कुल 291,901 ट्रैक्टर्स भारत के अंदर बेचे हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में। यानी कि महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भारत के किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी रिलायबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस और इसके पावरफुल इंजन किसानों के लिए बहुत ही अच्छे और लाभदायक माने जाते हैं। इन मशहूर कंपनियों में से आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।